So hi Paulmi, welcome to our channel. Hello, thank you so much for having me today. Paulmi, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, how's life after Big Boss? क्या कुछ changes है और work-wise कितना you know graph change हुआ है? आफ्टर बिग बॉस आई थिंक हो गया, बहुत टाइम हो गया बिग बॉस को ख़त्म हुए, आई थिंक हो गया 2 महीने. तो आई थिंक लाइफ इज़ गो बैक टू द नॉर्मल फेज, जहाँ पे बहुत सारी आदत चीज़ें होती है, फैमिली होती है, काम होता है, सब कुछ बैक टू द नॉर्मल फेज अभी चल गया है. बट द वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट आफ्टर बिग बॉस कि रिकग्नाइजेशन जो एक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एंड बॉम्बे में मैं पहले भी बोला था कि बॉम्बे में कोई किसी को पहचानता नहीं है, बिकॉज हम इतने ज़्यादा यूज टू होते हैं लोगों को देखने में, तो नो वन रियली रिकग्नाइज यू, इवन यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. बट आफ्टर बिग बॉस जब मैं रास्ते में भी अगर जाती हूँ तो देर आर पीपल लाइक, ओह यू आर फॉलोइंग फ्रॉम बिग बॉस एंड वी सॉ यू देयर एंड वी रियली लव्ड यू, वी रियली इनकरेज यू और हमने आपके लिए वोट भी किया था. तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू हियर इन बॉम्बे. वेल, आप किस तरह का अभी काम देख रहे हैं? लाइक आर यू ओपन फॉर टीवी और ओटीटी और बॉलीवुड? आई लव टीवी, आई स्टार्टेड विद टीवी. अगर शायद टीवी अगर नहीं होता तो जो भी मैं सीख पाई थी बहुत कम टाइम में वो शायद नहीं हो पाता. तो आई लव टीवी, आई वुड लव टू वर्क इन टीवी. बट एट द सेम टाइम मैंने कभी मूवीज नहीं की है, तो आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स इन बिग बैनर फिल्म्स होती है, जो अच्छी फिल्म्स होती है थिएटर रिलीज में या ओटीटी रिलीज में, दैट डजंट मैटर, बट आई वांट टू डू फिल्म्स राइट नाउ. ओके, सो आर यू ऑडिशनिंग समथिंग? आई एम आई थिंक हमारे एक्टर्स की लाइफ में इफ वी वर्क फॉर लाइक 100 डेज, रेस्ट आई थिंक 265 डेज वी स्पेंड इन ऑडिशंस. या तो ऑडिशन रोज चलता है. वेल पॉलमी, आपने पहले भी शोज किए हैं, हाँ जी, बट यू नो रिकग्नाइजेशन जिस तरह अभी आपने मेंशन किया वो नहीं मिला, और कह सकते हैं बिग बॉस से आपको मिला. और अगर आपको यू नो क्या ऐसे काम यू नो क्या ऐसी चीज है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ से सबको रिकग्नाइजेशन मिलने लग गया है, हाउ डू यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे सोशल मीडिया और अ नेगेटिव वे? वेल, सोशल मीडिया हैज़ टू साइड्स, विच कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है जो हम देखना नहीं चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी लोगों को भी अटेंशन मिलना चाहिए, मिल रहा है, जिनको नहीं होना चाहिए वहाँ पे. देर आर लॉट ऑफ पीपल जो टैलेंटेड है, दे आर मच मोर टैलेंटेड, दे हैव डन सो मेनी गुड थिंग्स, उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता क्योंकि वो गंदे वाले content. ये नहीं कॉन्टेंट नहीं डालते. तो आई थिंक दैट्स द, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बिकॉज सबके हाथ में फ़ोन है, तो एवरीबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. तो आई थिंक दिस बोथ साइड्स आर देयर, व्हिच इज़ गुड एंड व्हिच इज़ आल्सो बैड एट द सेम टाइम. वेल, बिग बॉस आ रहा है, क्या कहना चाहूंगी, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ. अभी तो हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू बिग बॉस. नो, बाय एनी रीजन अभी ये वाले पे नहीं जा रही हूँ अभी, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू थिंग, इट्स अ वेरी लाइक अभी खत्म हुआ है मेरा वाला. तो आई थिंक दे ऑल्सो नीड न्यू कंटेस्टेंट्स जिसके साथ वो लोग और भी ज्यादा मतलब जो खेल पाए, ये कर पाए. तो आई थिंक मेरा अभी खत्म हुआ है, सो इट्स टू न्यू टू गो बैक टू दैट हाउस, बट आई डोंट माइंड गोइंग बैक देयर अगेन, बट इन द फ्यूचर, नॉट राइट नाउ. वेल, कौन सा रियलिटी शो आप you know up karna pasand karungi? Are you open for khatron ke khiladi? Yes, I love khatron ke khiladi. I think that's the only, I love animals, I love reptiles, I love things that probably disgusting for you. I love it. Thankfully wahan pe insano ke sath nahi khelna padta hai. Abhi recently you know kal ki main baat kar rahi hu, Karanveer Mehra, he is the winner of khatron ke khiladi 14. So did you saw this season or not? No. Nobody was your friend from the season? नहीं, ये वाले सीजन में मैं किसी को जानती नहीं थी. Okay. मतलब no one. So that's why I think मैंने फॉलो भी नहीं किया था, कि कभी कभार दोस्त जाते तो उनके लिए आप देख लेते हो. But I really genuinely love खतरों के खिलाड़ी. And इतने सालों से चल रहा है. And our dear host Rohit sir is too good. So I think that's the one show I would like to do in the future. Well, follow me, you know, जब आप बिग बॉस में गए थे आपने एक स्टेटमेंट दिया था, यू नो आप एक जन को प्रूव करने के लिए बिग बॉस करने आई हो. रिसेंटली आप जब मनीषा कटवानी की बर्थडे में स्पॉट हुई थी, देयर वाज अ गाय, सो सब लोग यू नो ये बोल रहे हैं कि कहीं ना आपके बॉयफ्रेंड तो नहीं, सो
you know, we would like to know, like, how did you know that? I specifically thought that I did not make that thing obvious. How did you know? So, he's not the same guy. Okay. Definitely not. But he's not from the industry, of course, and he does not want to come in the limelight, and that's why I keep him always separate. तो कभी इसलिए किसी ने बुलाया था तो मैंने बोला था ही इज नॉट माय गेस्ट इज नॉट माय गेस्ट इज मनीषा'स गेस्ट बट आई डोंट लाइक टू कीप आई लाइक टू कीप माय प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ओके बाकी तो 80% सब लोगों के लिए ही है 20% तो अपने लिए रख लो यार एग्जैक्टली राइट राइट वेल यू नो बहुत सारी चीजें थी आई वंडर हाउ डू यू नो दैट Yeah. Well, follow me, आपने बहुत सारी चीजें और भी कही थी you know, dark skins को लेकर आपको काम में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही थी Is it same now also? I think dark skin का मुझे काम में problem, I don't think मुझे उतना आया है जितना I think लोगों के सोच में है People, I think they need to grow up, they need to evolve their thinking. ये कोई ऐसा कलर नहीं है जो, बहुत लोग मुझे बोलते हैं यू आर यू फ्रॉम साउथ अफ्रीका आर यू डम I mean, this is a brown skin. I think majority of Indian people, not only women, majority of Indian people have got this color. Yes. They have this color. Correct. किसी का थोड़ा ज़्यादा सावला होता है, किसी का कम होता है. हमारे यहाँ पे कोई गोरे नहीं है. No one's white. Correct. सब brown है. And you have no idea. People and सब मुझे बोलते हैं, पॉलीमी तुम हर बार कलर को लेके इतना क्यों मुद्दा बनाती हो? Because that's a problem. आप वही सेम चीज अगर मैं सोशल मीडिया पे डालूं, देयर विल बी एटलीस्ट 50 ऑफ देम जो मुझे मेरे कलर को लेके काली ये वो सब कुछ बोलना शुरू करेंगे और वहां पे 25 लोग यहाँ पे हो गए ये बार बार कलर को लेके बोलते हैं तो तुम अंधे हो तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लोगों को प्रॉब्लम है इस कलर से और क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है बिकॉज इट्स अ ब्राउन स्किन इट्स एन इंडियन स्किन आई एम नॉट फ्रॉम अफ्रीका Africans are black. उनका कलर अलग है हमारे से उनका melanin बहुत ज्यादा होता है तो their skin tone is way different than us. We are brown. We are not white. And that's so, मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता मुझे कभी कभी लगता है ना सिर्फ पढ़ाई हो अपब्रिंगिंग हो उसमें नहीं I mean, एक जो सोच होती है ना वो लोगों को चेंज करना बहुत जरूरी है हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग सही है लेकिन आपकी जो मेंटालिटी गंदी है ना उसके ना आपके एजुकेशन कुछ कर सकता है ना आपकी अपब्रिंगिंग कुछ कर सकता है आपकी सोच गंदी है उसके मैं कुछ कर पाऊंगी ना आप कुछ कर पाओगे बट इफ समवन इज सेइंग स्टूपिड थिंग्स टू मी और आई विल गिव इट बैक टू देम बहुत लोग बोलते हैं कि लोग सिर्फ ये चीज बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे टू गेट अटेंशन आई विल गिव यू अटेंशन एंड आई विल मेक श्योर यू सफर मैं आपके वो जो चीज रेसिज्म इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू इट तो कोई अगर सिर्फ एक आई एम टेलिंग यू देयर इज अ गर्ल ऑन माय इंस्टाग्राम ओ माय गॉड दैट गर्ल इज उतने इविल शी इज प्योर इविल और मैंने उसके नाम पे बकायदा आई हैव फाइल्ड अ एफआईआर अगेंस्ट हर यस बिकॉज आई एम डन यू कॉल मी मतलब आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकते मेरे स्किन कलर क्योंकि मैं इस कलर के साथ पैदा हुई हूँ एंड यू कैन नॉट इंसल्ट मी ऑन द बेसिस ऑफ माई कलर आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हु आई एम आई विल एक्सट्रीमली बी प्राउड ऑफ वट आई डू हाउ आई डू आप मुझे उस चीज मेरी मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन बार बार मुझे पोक करोगे ना तो एक टाइम के बाद मैं भी भड़क जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ये सारी चीजें एंड इट्स सो स्टूपिड टू डू इट अब घिनौनी सोच है छोटे लोग हैं सो डू यू फील यू नो ये जो फैंडम के नाम से लोग आते हैं सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा यू नो मायने रखती है प्रॉब्लम इनकी ट्रोलिंग मायने नहीं रखती है फैंस जो होते हैं ना जो जेन्युइन फैंस होते हैं ना वो चाहे आप मेरे पास सालों पुराने फैंस है जो पता नहीं कितने साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं एंड आई जेन्युइनली अडोर देम आई स्पीक टू ऑल माय फ्रेंड्स मतलब कभी भी किसी का कमेंट अच्छा लगता है मैं जाकर उसमें कमेंट करती हूँ पर उसी के बीच में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैंस नहीं है वो अनोनिमस उनका कोई वजूद नहीं है उनको बस अटेंशन चाहिए होता है एंड दे आर नॉट द फैंस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटेंशन सीकर्स एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन फैंस ट्रूली जेन्युइन जो फैन होते हैं ना वो आपके पास हमेशा रहेंगे पर ये जो अटेंशन सीकिंग वाले होते हैं ना जो आते हैं हाँ हाँ हम तो अच्छे लगते हैं अरे प्लीज आप मेरे इस पे ये कर दो ना अच्छा नहीं करोगे तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ट्रोल करना शुरू करता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता करो क्या कर लोगे क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा
But this is the thing, I think everybody should understand that there's a difference between fan and there's difference between attention seekers. So this well, is what it is. अभी तो आप you know एकदम बेबाक होकर you know अभी कंप्लेन फाइल कर देती हो, but initially अगर मैं बात करूँ कितना ट्रोलिंग आप पे भारी पड़ता था और कितना डिप्रेसिंग होती थी ये चीजें. That's what I'm telling you. Before Big Boss, I think मैं उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी. मेरा जितना होता था उतना होता था. I was not very active on my social media. तो I think लोग उतना और मेरा क्या होता था, अगर कोई एक दो बोलता था तो मैं उसको रख के सुना देती थी, तो फिर वो दोबारा वापस आता नहीं था. बिग बॉस के बाद क्या हुआ है ना, माय फेस इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो जो एक्सपोजर मिला है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ज्यादा है. तो आई थिंक अभी लोगों को लगता है अच्छा ये बंदी ऐसे चलो चलो चलते हैं, उनको समझ में नहीं आता होगा कि भाई मैं नहीं हूँ वैसे वाली बंदी, तुम मुझे बोलोगे तो सुनोगे. आई एम नॉट गोना टेक इट ऑल इन. अगर मुझे तुम्हारी बात बुरी लगेगी तुम सुनोगे, चाहे तुम कोई भी हो. आई एम नॉट गोना टेक इट. आई एम नॉट gonna butter you just because I'm supposed to do it. That's not gonna happen. Well, you know, अगर industry की मैं बात करूँ, industry में अभी बहुत ज़्यादा you know actor versus producers ये सब चलने लग गया है कि how you know अगर मैं production की बात करूँ, production आप कितना देखते हो before giving auditions? यार मैं क्योंकि अभी बहुत देखती हूँ, मैं देखती हूँ. अच्छा shows you know start होता है उतना suddenly you know एकदम बंद हो जाता है. यार बंद तो पहली बार ये होता है क्योंकि ऑडियंस भी कम हो गया. मोस्टली पीपल आर लाइक जितने भी हमारे पास ऑडियंस है वो दे ऑल आर दे प्रेफर कि वो ऑनलाइन देखे. तो आई थिंक हमारा जो टीआरपी भी काम करता है, आई थिंक वो टेलीविजन व्यूअरशिप से होता है, ऑनलाइन व्यूअरशिप से अभी तक नहीं हो पाए. तो आई थिंक वो भी एक जेन्युइन रीजन है कि अगर चैनल को कमाई नहीं आ रही है तो चैनल एक शो को चलाएगा क्यों, उनको भी तो पैसे आना चाहिए होंगे ना. तो आई थिंक वो एक रीजन होगा. एंड फॉर मी आई ऑलवेज सी द व्हाट प्रोडक्शन आई एम वर्किंग विद. फॉर मी आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल प्रोडक्शन दैट आई हैव एवर वर्क्ड इज बालाजी. बालाजी इज वन प्रोडक्शन. मुझे वो कुछ भी किसी की चीज के लिए बुला लेते तो मैं चली जाती हूँ. मैं पूछती भी नहीं हूँ कि बजट क्या है, ये क्या है, बिकॉज आई नो वट एवर दे डू फॉर मी इज गुड. But all at the same time, my Kartik Purnima production house was horrible and terrible. That producer is in jail, by the way. He murdered someone. Yes, Bhupinder Singh. He murdered someone. So right now, and I'm taking names because I don't care. He is in jail. So uski jo wife thi, she was working with Star and channel mein kaam karti thi, Sanjot Kaur. But then she became a producer, and obviously, they were terrible. They were terrible on set. Like they did not treat the actors well, they did not treat the directors well, forget about us, even the technicians were really fed up with them. But I'm sure ki uske baad unhone koi show banaya bhi nahi tha. Aadhe se aadhe logon ko paise nahi diye the, bahut logon ke to itne paise kaate unhone. To they were not a nice production house, so wo log chale bhi nahi. Did you suffer that time? No, I got my money. आई इज लाइक तुम किसको बेचोगे, कहाँ क्या बेचोगे, गाड़ी बेचो, घर बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मैंने अपना खून पसीना दिया है शो में. मैं 12 घंटे के एक तो हम एक्टर्स को 12 घंटा काम करना पड़ता है. बाकी आप कहीं पे भी चले जाओ सब 8 घंटे के काम करता है. हम ही ये 12 घंटे काम करते हैं और वो 12 घंटा कभी होता नहीं है. वो हमेशा 13-14 घंटा तो आराम से हो जाता है. मैंने जब अपना 100% तुम्हें दिया है, तुम मुझे मेरा पूरा पैसा दोगे. अगर तुम जेन्युइनली प्रॉब्लम में होते तो आई वुड हैव कंसीडर्ड इट. तुम्हें चैनल ने तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दिया है, तुम अपना जेब भरोगे पर तुम पैसे किसी को नहीं दोगे, ये क्या बात हो गई यार. तो आई गॉट माई मनी. आई थिंक उन्होंने कुछ मेरा 10,000 रुपए काटे थे. किसी एक दिन मैं लेट पहुंची थी. एक दिन वो भी ट्रैफिक की वजह. मैं एवरी वन नोज मैं कभी लेट नहीं पहुंचती. तो एक बार मैं किसी दिन लेट पहुंची थी, तो उसके आई थिंक 3 घंटा में कुछ लेट पहुंची थी. उसके चक्कर में उन्होंने मुझे मेरा 10,000 कटे थे. मैंने तू रख ले 10,000, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस कर. तो दे गेव माय मुझे मेरा ऑलमोस्ट पूरा चेक मिल गया. बट उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे काटे. उस मतलब टेक्नीशियंस एंड उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था यार. लोगों के पास ना काम था ना कुछ था, पैसे नहीं थे, और उस बीच में ये लोगों ने ऐसे हरकतें की थी. That's the only production. Otherwise, I think my all production houses were very nice. Well, you know, lastly, जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आप इतने vocal हो, इतने straightforward हो, कभी आपको आपके काम में दिक्कत आई है? यार लोगों को ना ऐसा लगता है कि see, I will not
आई विल नॉट इंसल्ट यू, मैं कभी आपको लोगों के सामने इंसल्ट नहीं करूंगी, आई बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं बोल दूंगी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो शायद मैं नहीं करूंगी या वट एवर, बट आई विल नॉट इंसल्ट यू इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स द वन थिंग आई हैव. बट हाँ, लोगों को कभी कभार सच सुनना अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, कोई बात नहीं चलेगा. वेल, लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए, नवरात्रि आ रही है, दुर्गा पूजा यू नो सेलिब्रेट किया जाता है कोलकाता में बहुत बड़े लेवल पे, हाउ मच यू मिस योर प्लेस, और यहाँ पर आप यू नो वैसा माहौल देख पाती हो या नहीं देख पाती? हाँ, यहाँ पे आई जनरली गो टू द जू वन, जो रानी मुखर्जी का पूजा है, वो वहाँ पे जाती हूँ. वहाँ पे बहुत, मुझे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो मैं मिस करती हूँ, ऑथेंटिक कैलकटा वाला पूजा जो मिस करती हूँ, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है. बट या और ये पहली बार है, इस साल मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है. आई हैव नॉट इवन बाय वन सिंगल साड़ी फॉर माई सेल्फ. दिस इज द फर्स्ट ईयर. माई मदर इज नॉट वेल, तो मोस्टली घर पे वही चल रहा है. वी जस्ट ट्राइंग टू मेक हर कम्फर्टेबल, हैप्पी. और उनका अभी मैंने सोचा कि यार हर साल खरीदती हूँ, इस बार अगर नहीं खरीदूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द फर्स्ट ईयर, आई एम नॉट वेरी मच लाइक एक होता ना पहले दुर्गा पूजा में, तो मैं एक महीने पहले से मैं सब कुछ खरीदना शुरू कर देती हूँ कि दुर्गा पूजा आ रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वैसा करना है. इस बार ऐसा कुछ है नहीं. थैंक यू सो मच. एंड आई जेन्युइनली अडोर उन लोगों को जो इतने सालों से मेरे साथ है, सपोर्ट करते हैं. एंड मुझे आप लोगों की, मतलब बहुत सारे लोग कभी कभार मुझे बोलते हैं कि आप मैसेज के जवाब नहीं देते, तो हो नहीं पाता है, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ. पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, अगर कुछ आप चीज़ पूछ रहे हो तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ. एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई हैव यू ऑल विथ मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.